नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब बिहार में भी बनेगा इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस सेंटर। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ हुए मुलाकात के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में शीघ्र ही अत्याधुनिक क्रिकेट प्रैक्टिस सेंटर को बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी बीसीसीआई ने खुद अपने कंधों पर ली है। ज्ञात हो 4 फरवरी को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ बिहार, मणिपुर और मिजोरम के सचिवों की बैठक हुई थी, जिसमें इन सभी राज्यों में क्रिकेट के आंतरिक संसाधन की समीक्षा कर संसाधन के विकास पर निर्णय लिया गया। बिहार के बजट में सभी रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित हुई राशि। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के कई रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन किया गया, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नई रेल लाइन निर्माण के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया था। इसके साथ ही पेश किए गए बजट के अनुसार आमान परिवहन कार्य हेतु 173 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दोहरीकरण के लिए 54 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेटा औरंगाबाद नई रेलवे लाइन के लिए 20 करोड़ रुपए और सुगौली हाजीपुर रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पटना में जल्द ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के छात्र एवं प्रैक्टिशनर के लिए आयोजित होगा वर्कशॉप। पटना में ओटी और पीटी की प्रैक्टिस कर रहे छात्रों के लिए यह खबर कुछ खास है। जल्द ही एम्स के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट प्रभात रंजन आप सभी के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके तहत बोबास टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम तरह के प्रयासों के बारे में पटना में 8 और 9 फरवरी को आपको बताया जाएगा। आपको बता दें, इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना है तो जल्दी करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस वर्कशॉप का आयोजन निरुपमा हेल्थ सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत कृष्णा कर रहे हैं, जहां पर कल कंकड़बाग में फिजियोथेरेपिस्ट स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टर प्रभात रंजन के साथ द फिजियोथेरेपी क्लिनिक के डॉक्टर सुजीत भी शामिल होंगे। बुरारी उम्मीदवार के लिए ललन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही घंटे शेष है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। वहीं प्रचार प्रसार का सिलसिला कल ही रोक दिया गया था। इसी क्रम में बुरारी सीट से जदयू उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करवाने के लिए मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए जनसंपर्क अभियान का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि विकासशील बिहार के विकास के पैमाने को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार और मोदी जी के समर्थन में इस बार एनडीए को मौका देता कि हम बुरारी का कायाकल्प कर सके। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर ट्रस्ट भी देगा बड़ा योगदान। अयोध्या में राम मंदिर बनने की सारी बाधाएं अब दूर हो गई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया है। इसी बीच पटना स्थित महावीर मंदिर के ट्रस्टी ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कमेटी के सदस्य के रूप में मध्यस्थता भी की है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है। भागलपुर की बेटी को मिला अमेजोन की तरफ से करोड़ों का पैकेज। भागलपुर की बेटी शेफालिका की प्रतिभा को देखकर अमेरिका की कंपनी अमेजोन ने उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 1.10 करोड़ का पैकेज दिया है। आपको बता दें, शेफालिका को यह उपलब्धि रातों रात नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। पिछले 4 महीने में वह अमेरिका की टेक्सास स्टेट में डेल्स सिटी में अमेजोन के कार्यालय में कार्यरत है। वहीं शेफालिका को मिली इस उपलब्धि पर उन्होंने बताया है कि उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर चलाने का शौक था और यही कारण रहा है कि उन्होंने 8वीं कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। बिहार के इन संस्थानों को मिला राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार के भागलपुर समेत 5 IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, बैठक के बाद इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को दी। बेंगलुरु में गया मगही पान की हो रही है हर ओर चर्चा। मगध क्षेत्र के अंतर्गत गया और नवादा का मगही पान अब बिहार यूपी से निकलकर बेंगलुरु में अपनी पहचान बना रहा है, जिसके तहत अब गया में उपजने वाला यह पान बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बेंगलुरु मेले में दिखाया जाएगा, जिसके तहत वहां वजीरगंज के किसान शिव पूजन कुमार और नवादा के रंजीत कुमार चौरसिया मगही पान के साथ मेले में सम्मिलित होने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बिहार के अनेक जिलों के किसान अपने उत्पादों के साथ पहुंचने वाले हैं। इंडियन पोस्ट ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकाली रिक्तियां। इंडियन पोस्ट ने मल्टीटास्किंग के लिए कुल मिलाकर 37,750 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को ग्रामीण डाक सेवक विभाग में जिन्होंने 3 साल तक नियमित रूप से काम किया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को 10वीं पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.indiapost.gov.in पर जाकर 17 फरवरी तक आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं।
स्वच्छता के मामले में एम्स पटना को मिला तीसरा स्थान। हाल ही में स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने हर राज्य के एम्स का सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें केवल बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स को स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं रायपुर एम्स को हाइजीन एंड एचआईसी चैंपियनशिप 2020 के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस सूची में जगह बनाने वाले सभी संस्थाओं को पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड दिया गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन के वेतन के लिए जारी की गई राशि। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों और साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन के लिए बिहार सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। खबरों की माने तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन के लिए लगभग 3 करोड़ की राशि जारी की है, जबकि नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी नियोजित शिक्षकों के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में। बॉलीवुड से लेकर तेलुगु फिल्म में हमने इनकी प्रतिभा को देख रखा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यु सिंह का जन्म भी बिहार के सोनपुर क्षेत्र में हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2001 में अपना पहला कदम रखा था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में उन्हें सबसे पहला ब्रेक साल 2009 में अनुराग कश्यप की गुलाल फिल्म से मिला था, जिसके लिए उन्हें साल 2010 में स्टारडस्ट अवार्ड से नवाजा भी गया था। जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता बना बिहार। उत्तर प्रदेश के मऊ में संपन्न हुए 8वें जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में बिहार ने राजस्थान को 32 रनों से हराकर इस जीत को अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, आयोजित किए गए इस चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने टॉस जीतकर 8 विकेट खोकर 60 रन बनाए थे, जिसमें बिहार की टीम के रवि ने 21 रन की पारी खेली, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम ने 8 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 28 रनों का लक्ष्य ही प्राप्त कर सकी। सिमरी बख्तियारपुर के सिद्धांत को क्विज में मिला दूसरा स्थान। जीटीवी पर हर हफ्ते प्रसारित होने वाले क्विज कॉन्टेस्ट प्रोग्राम में इस सप्ताह सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाजार के निवासी सिद्धांत कुमार ने जीत हासिल की है, जिसके तहत सिद्धांत को इस कार्यक्रम में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिद्धांत की इस जीत पर उसके पिता ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सिद्धांत ने इस प्रतियोगिता में बतौर कंटेस्टेंट पश्चिम बंगाल के सन माइकल स्कूल सिल्लीगुड़ी का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उसे पूरे देश में आए छात्रों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पोस्टर के खेल में अब कांग्रेस ने लिया हिस्सा। बिहार में जारी पोस्टर के खेल में राजद और जदयू के बाद अब कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मन बना लिया है, जिसके तहत कांग्रेस ने हाल ही में जदयू से जवाब मांगते हुए एक नया पोस्टर जारी किया है, जहां पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके कार्यकाल का हिसाब और साथ ही साथ विशेष राज्य दिलवाने के वादे को भी याद दिलाया है। इसके साथ ही इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने गरीबों के पलायन को रोकने के वादे पर भी जवाब मांगा है। 24 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से की जाएगी, जहां पर राज्य के आम बजट के साथ साथ विभागों के अनुसार बजट पेश किया जाएगा। खबरों के अनुसार आयोजित होने वाले इस सत्र के सभी विभाग के बजट को पेश किया जाएगा, साथ ही विभागों के बजट पेश करने की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत 3 से 24 मार्च तक सरकार के सभी विभागों का बजट पेश कर दिया जाएगा। ज्ञात हो, एक दिन में बजट सत्र के दौरान 3 से 4 विभागों का बजट पेश किया जाएगा। पटना के इकोपार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। पटना घूमने आए सभी आम नागरिक एक बार पटना के इकोपार्क का भ्रमण करने जरूर आए। साल 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद से इस पार्क की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से तब से लेकर अब तक इस पार्क में घूमने आने वालों की लंबी कतार देखने को मिलती है। खासकर के शाम के समय में अक्सर लोग अपने परिवार के साथ इस पार्क का लुत्फ उठाने आते हैं। पार्क में प्लेइंग ग्राउंड भी है और साथ ही एक छोटा सा तालाब भी है, जहां पर बोटिंग की व्यवस्था भी की गई है। बिहार के मंत्री अब करेंगे महंगी गाड़ियों की सवारी। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों की सवारी गाड़ी अब और ज्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वित्त विभाग के सभी मंत्रियों के लिए 25 लाख रुपए तक की लग्जरी गाड़ी खरीदने का ऐलान किया है। इससे पहले बिहार के सभी मंत्री 17 लाख की गाड़ियों में आना जाना करते थे, मगर अब इस कीमत को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त विभाग के मंत्रियों के साथ साथ हाईकोर्ट के जज और बड़े अधिकारी के लिए भी खरीदे जाने वाले वाहनों की राशि में इजाफा किया गया है। सफाई कर्मी के समर्थन में आए रघुवंश प्रसाद। इन दिनों राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था डाबाडोल है, क्योंकि नगर निगम के सफाई कर्मी फिलहाल अपने काम पर नहीं आने की जिद लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके ही समर्थन में अब राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भी उतर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि सरकार को इस समय में सभी सफाई कर्मियों से बातचीत करके समाधान निकालने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पटना में सफाई की हालत खराब होती जा रही है।
सहरसा में कन्हैया कुमार ने की सभा से हक के लिए बोलने की अपील। सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपने जनगणमन यात्रा के तहत सहरसा पहुंचे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर खूब बयानबाजी की। इतना ही नहीं, रानीबाग मीना बाजार पहुंचकर उन्होंने वहां मौजूद जनता से कहा कि आपको जिस भी प्रकार के बल का प्रयोग करना है करिए, मगर ये मत कहिए कि मैं अपना हक छोड़ दूं। इसके आगे इस पूरी जनसभा में कन्हैया कुमार ने कई बार गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया और साथ ही उनके खिलाफ खूब टिप्पणियां भी की। पटना एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल हुआ जारी। ठंड के कारण विमानों के आवागमन में हुए फेरबदल के बाद अब पटना एयरपोर्ट ने एक बार फिर गर्मियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे कि अब राजधानी पटना से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची जाना अब और आसान हो जाएगा। ठंड के बाद अब गर्मियों के मौसम में विमानों के आने जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना एयरपोर्ट द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार इस 98 विमानों के परिचालन पर मुहर लगाई गई है, जबकि ठंड के समय में विमानों के उड़ान भरने की संख्या 80 हो गई थी। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,900 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,860 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.58 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.85 रुपए प्रति लीटर था। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रिलायंस जियो लेकर आया है बड़ी सौगात। फोन पर क्रिकेट का मजा उठाने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए अहम सूचना। रिलायंस जियो ने हाल ही में सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए जियो क्रिकेट पैक को लॉन्च किया है, जहां पर सभी यूजर्स को अब क्रिकेट का आनंद उठाने के लिए 2 GB डेटा का प्रावधान दिया जाएगा। इस प्लान का उपयोग यूजर्स क्रिकेट मैच देखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में 2 GB डेटा दिया जाएगा। उसकी वजह से क्रिकेट देखते समय आपको डाटा खत्म होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विराट कोहली लगातार तीसरे साल भी ब्रांड वैल्यू की सूची में दिखे सबसे आगे। मैदान पर विराट कोहली के बल्ले से तो आवाज आती है, ब्रांडिंग के मामले में भी इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है। बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेकर्स कोहली ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है, जिसके तहत उन्होंने अपने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह को पछाड़ते हुए अपनी एक नंबर की जगह को बनाए रखा है। विराट कोहली के ब्रांड वैल्यू की बात करें तो यह ब्रांड वैल्यू 237.5 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसकी इंडियन वैल्यू लगभग 1691 करोड़ रुपए की है। रेलवे विभाग जल्द ही भागलपुर वासियों को देने जा रही है बड़ा तोहफा। रेलवे विभाग भागलपुर वासियों को राजधानी एक्सप्रेस का तोहफा देने जा रही है। वहीं भागलपुर से ट्रेनों की संख्या में भी जल्द ही बढ़ोतरी की जा सकती है। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ भागलपुर स्टेशन को चकाचक बनाने की मुहिम में जुट गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विजय कुमार, दिलीप कुमार पासी, सोनम भारती, प्रमोद यादव, दरोगा कुमार, विवेक कुमार, बबलू यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, कुंदन कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रीति राज, हितेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों का जवाब अच्छा लगा, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीतिक पार्टियों का परफॉर्मेंस आपके हिसाब से कैसा रहेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।